लखनऊ नगर निगम चिनहट द्वितीय वार्ड से एनएसयूआई की नेता एवं वर्तमान महिला शहर अध्यक्ष कांग्रेस लखनऊ मोनिका मिश्रा को अपना उम्मीदवार घोषित किया। आपको बताते चले कि असिस्टेंट प्रोफेसर पंडित मोनिका मिश्रा कांग्रेस की वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष महिला कांग्रेस पंडित शीला मिश्रा की पुत्रवधु में, जो बस्ती जनपद से 2016 से ही एनएसवाई में काम कर चुकी हैं और कांग्रेस पार्टी की नीतियों और सिद्धांतों को जनमानस तक पहुँचाने का काम किया। जनमानस के मुद्दों पर हमेशा मुखर होकर सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया है। लखनऊ नगर निगम में पर्चा दाखिला करने के बाद मीडिया से बात करते हुए पंडित मोनिका मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस का इतिहास बहुत पुराना है। कांग्रेस ने देश को प्रगति के पथ पर ले जाने का काम किया है। मौजूदा सरकार उन सभी चीज़ों को बेचने का काम कर रही है। पूरा भरोसा है कि इस बार क्षेत्र की जनता मेरे संघर्ष को ध्यान में रखकर बहुत भारी मतों से विजयी बनाए और पूरे क्षेत्र का विकास कराएगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। मैं मोनिका मिश्रा चिन्हट द्वितीय वार्ड संख्या 66 से पार्षद पद की प्रत्याशी हूँ। जी मोनिका जी, आपने कांग्रेस से चुनाव लड़ने का निर्णय किया है और कांग्रेस ने भी आपको सहयोग किया है, टिकट देखी। जी जी, तो इस चुनाव में आप क्या करने वाली हैं, विशेष रूप से कांग्रेस के लिए क्या बेहतर होगा? जी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक नगरीय चुनाव है, तो मैं अपने क्षेत्र में जो भी हमारे क्षेत्र में समस्याएं हैं, चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे वो पार्कों की समस्या हो, आप निकल जाइए यहाँ विभव खंड में, जितने भी पार्क हैं कोई भी व्यवस्थित नहीं है, तमाम कूड़ा करकट सब मतलब बिखरा पड़ा रहता है, आवारा कुत्ते घूमते हैं पार्कों में, बंदर की एक बहुत प्रमुख समस्या है हमारे क्षेत्र में, तो इन सब पे हमें काम करना है। बाकी इसके अलावा नाली नहीं है, अगर नाली है तो नाली ब्लॉक है तो उसकी भी शिकायतें आती रहती हैं, तो इन सब समस्याओं पे का समाधान अगर हमारी पार्टी आती है और अगर मैं यहाँ से निर्वाचित होती हूँ तो मैं पूरा सहयोग करूँगी कि इन सारी चीज़ों पे काम करूँ। अच्छा, क्या कांग्रेस का कोई ऐसा उम्मीदवार जो लगातार चुनाव जीत के जनता के लिए बेहतर काम किया? जी जी बिल्कुल, आप मुकेश सिंह चौहान का इस्माइलगंज वार्ड है, आप वहाँ चले जाइए, अगर आपको विकास देखना है तो आप वहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी अध्यक्ष ममता चौधरी जी का क्षेत्र आप देखिए, उन्होंने हर संभव प्रयास किया है, मतलब महिला होने के नाते भी जितनी भी वहाँ पे जो भी उचित सहयोग हो पाता है वो करती हैं, और उनका मतलब क्षेत्र देखना हो तो एक तरीके का वो मॉडल है हमारे लिए, एक मोटिवेशन है कि मतलब जिस तरीके से उन्होंने अपने क्षेत्र का डेवलपमेंट किया है उसी तरीके से अगर मैं निर्वाचित होती हूँ तो मैं भी करूँगी। तो इस चुनाव में मुख्य रूप से किन मुद्दों पे आप काम करेंगे निर्वाचित होने के बाद? मैं विशेषकर ध्यान दूंगी महिलाओं की बात, अगर क्योंकि मैं एक महिला हूँ तो मैं जो भी हमारे क्षेत्र की जितनी भी महिलाएं हैं उनसे मैं उनको मैं ये वचन देती हूँ कि उनके लिए हमारा घर 24/7 खुला रहेगा, उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो तो आ करके यहाँ पे कहें, कोई भी उनकी सारी समस्याएं सुनी जाएंगी और जो भी हर संभव प्रयास होगा, मदद होगा वो हम करेंगे। एक आखिरी सवाल कि आप जो है चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस की नेता, आपने कांग्रेस को क्यों चुना और कब से कांग्रेस से आपका रिश्ता नाता है? सर मैं बताना चाहूँगी कि मैं क्योंकि एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, तो कोई कांग्रेस ने कितना किया है इस देश के लिए किसी से छुपा नहीं है। आप अगर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी की बात करें, मनमोहन सिंह की बात करें, तो उन्होंने मतलब एक बहुत बड़े अर्थशास्त्र से अगर आप लोग जानते हो, उन्होंने मतलब LPG पॉलिसी लेकर के आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जब हमारी कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी, हम लोग आर्थिक अर्थव्यवस्था से जूझ रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उस वक्त, अगर वो ना होते उस समय के वित्त मंत्री नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे, तो आज जो हम लोग जिस भी स्थिति में हैं, जो सब लोग बात करते हैं बड़े बड़े कि इस देश पे जाके उस विदेश में जाकर के प्रधानमंत्री जी यहाँ पे समझौता किया, ये साइन किया, ये ट्रेड कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, वो पॉसिबल ना हो पाता। तो मैं कहूँगी जितने भी बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के, मतलब और सबसे बड़ा तो आज़ादी के समय कांग्रेस ने जो कुछ किया, जो आज हम लोग आज़ाद हैं, सब राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, जो भी है ये सब कुछ कांग्रेस का लाया हुआ है। इसके अलावा IIMs हो गया, एम्स हो गया, जितने भी IITs हो गए, जितने भी बड़े शिक्षा संस्थान हो गए, जितने भी बड़े मेडिकल संस्थान हो गए, ये सब कुछ कांग्रेस की ही देन है। जी चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामना। जी जी धन्यवाद।
जनता से क्या अपील करना चाहती? जनता से मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि एक बार अभी तक आप लोगों ने पिछले जो भी आप लोगों ने जिस भी पार्टी का चुनाव किया, तो एक बार मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि एक बार आप कांग्रेस से भरोसा कर देखिए, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। तो लोकतंत्र का मतलब है कि आप सबको मौका दीजिए। इतने साल से कोई पार्टी चली आ रही थी, आपने उनका भी काम देखा, तो एक बार मैं कहूँगी कि एक बार अपनी इस बेटी को भी मौका दीजिए, इस बहू को भी मौका दीजिए कि हम आपका जो भी है आपकी सेवा कर सके। धन्यवाद।